afternoon, sir. Good afternoon. Name? I am Fayyaz Ahmed. Sir, my question is, आपने जो इनिशिएटिव जो आपने थोड़ा सा स्पीच दिया था उसमें आपने ये बताया था कि बच्चे करेंगे शरारत भी करेंगे डेफिनेटली, और टीचर्स को जहाँ तक हो सकता है कि उसको वेल बिहेव करना ही है, लव उसको करना है डेफिनेटली, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी ड्यूटी है कि सो यू आर टीचर हियर, यस ग्रेट। तो हमें बच्चों के साथ कभी भी मतलब क्या ऐसी हरकत नहीं करनी है कि वो गुस्सा उतारें घर से लेके आए, गुस्सा लेके आए कोई टीचर इसके, डेफिनेटली सर ये कॉमन ड्यूटी है जी। लेकिन सर मेरा इसके ऊपर ही एक जो मेरी अब बात है आपकी इस स्पीच के ऊपर वो डेफिनेटली है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स एंड शेक्सपियर, शेक्सपियर भी और जॉन कीट्स भी, और अगर देखा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि टीन एज ऐसी एज होती है जहाँ से जिन स्टूडेंट्स से हम बिलोंग करते हैं, 9, 10, 11, 12 टीन एजर्स, इन बच्चों की रग रग में शरारत भरी होती है। शेक्सपियर डेफिनेटली जितना उन्होंने ऑल द वर्ल्ड एट ए स्टेज में जितना उसने एक्सप्रेस किया इस चीज़ को कि टीन एज कितनी डेंजरफुल होती है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए भी, कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एक टीचर को गुस्सा आना डेफिनेटली उसको, देन हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एक टीचर को कैसे आप एक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी उसको किस तरीके से उसको आप ब्लेम लगाएंगे कि आप टीचर उसको स्टूडेंट्स के उसको गुस्सा कर रहे हैं, जबकि उसकी हार्मोन में है कि वो गुस्सा करेगा और टीचर को भी गुस्सा आना ज़रूरी है, 1, 2, 3, 10 times बच्चे को कंट्रोल करेगा, बच्चे खामोश हो जाओ बेटा, खामोश हो जाओ, समझ जा, सुधार दो अपनी ज़िंदगी, सुधार दो, लेकिन नहीं सुधर रहा है क्योंकि उसकी टीन एज है, क्या करेगा टीचर, गुस्सा करना है सर, गुस्सा हमारी फितरत में गुस्सा नहीं है, गुस्सा आता है फितरत में नहीं, हमारी फितरत में लव है, हमारी नेचर में लव है, लेकिन हमें टीचर के पास, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यस सर, टीचर के पास ये डिग्री है ना, यस सर, टीचर को ये डिग्री को बाहर फेंक के इसको पाँव से मसल देना चाहिए अगर उसे गुस्सा आता है, उसने ये डिग्री इसलिए नहीं लिया कि वो गुस्सा करने का हकदार है, उसने डिग्री इसलिए लिया है कि मैं इस डिग्री के कारण तो ये पोस्ट प्राप्त किया लेकिन बच्चों को डील करने के लिए मैं प्यार और पेशेंस का समुंदर पी के आया हूं, उसकी डिग्री फेल है, बेकार है, जिस टीचर को बच्चे के ऊपर ऐसे गुस्सा आया कि बच्चे को वो सजा देता है, खड़ा कर देता है, धूप में दौड़ाता है, उसको मुर्गा बनाता है, उसको स्टिक से मारता है, टीचर की डिग्री बेकार हो गई, राइट सर, मैंने सर टीचर ने असली मजहब नहीं पढ़ा, राइट सर, असली मजहब है प्यार, अगर टीचर का बच्चा ऐसे करे तो क्या टीचर उसको टांग देगा उल्टा, नहीं, पर टीचर चाहेगा मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कहे। मैंने एक बात सुनी है, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराने गई और एडमिट कराते टाइम बोली ये शरारती बड़ा है, टीनेज शरारती होता है ना, right. छोटा बच्चा उससे भी शरारती था 2.5 साल का, और बोली ये शरारती बड़ा है, तंग बड़ा करेगा, पर मासूम भी बहुत है, तुम इसको कुछ कहना नहीं, जब ये शरारत करे, जब ये तंग करे, तुम पता क्या करना, इसके साथ वाले बच्चे को कस के थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, चुप कर जाएगा। अब उस मम्मी को नहीं पता कि जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये है मेरे बच्चे के नेक्स्ट जो मम्मी है उसका बच्चा भी बैठा है, वो भी कह गई है साथ वाले बच्चे को मारना, तो टीचर उस बच्चे के शोर मचाने पर मेरे बच्चे को भी तो मारेगी। ये बात उस मम्मी को मालूम नहीं थी, दैट मम्मी डिड नॉट रियलाइज दिस बिकॉज मम्मी डजंट वॉन्ट कि मेरे बच्चे को कोई मारे। अब आप कैमरा लगा के और खिड़की में साइड पे खड़े होके अपने बच्चे को स्कूल पे देखना, अगर उसको टीचर मुर्गा बनाए, अगर उसको मारे, आपके दिल पर एज ए फादर और मदर क्या बीतती है, इसको एक बार रियलाइज करना, आपका ना दिल जल जाएगा। आप जाके मैनेजमेंट को पूछेंगे ये तुमने कैसे टीचर बिठाया है, रास्कल बिठाया है यहाँ पे, मेरे बच्चे को बिना बात पे मारा, आई नो माई चाइल्ड, ये बच्चा घर में शरारत ऐसे नहीं करता है,
अगर इसने यहाँ किया है तो तुम यहाँ किस लिए हो? ऐसे बात करने का दिल करता है, पर टीचर को ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चे को वहाँ पर कैसे मारा जा रहा है, इसलिए टीचर यहाँ पर इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता। जो टीचर बच्चे को अपना बच्चा समझता है, आपने दोस्ती मूवी देखी? मैंने ज़िंदगी में पहली मूवी 1964 पिक्चर हॉल में पहली मूवी देखी थी दोस्ती। वो टीचर उस लंगड़े को पढ़ाना चाहता है, उसकी फीस दाखिल करा देता है, उसको बोलता है तुम सड़कों पे भीख मत मांगो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो। ऐसे टीचर रह गए आज? नहीं, टीचर तो आज सिलेबस पूरा ही नहीं कराते, नहीं तुम मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। आज का टीचर उसकी जेब में से पैसे निकालता है। इट इज आवर, ये तो अलग बात है सर। ये सर मेरा सब्जेक्ट ना, मेरा सब्जेक्ट एक ही बात पर चल रहा है, टीचर हैज टू लर्न लव। यस, टीचर डज नॉट नीड कि ये हवेल मछली को मार के पैसे कैसे कमाए जाएं। ये हवेल मछलियां मर जाएंगी सारी, इनका हम खून चूस लेंगे, इनके मम्मी पापा का पैसा हम चूस लेंगे, पर मेरा क्रोध फिक्स नहीं होगा। जिस दिन मेरा क्रोध फिक्स नहीं होगा, उस दिन मेरे जो अवगुण और जो मेरी डेफिशिएंसीज और जो मेरी शरारत है, सिर्फ 13 साल का बच्चा शरारती नहीं होता, बच्चे भी शरारती होते हैं और हम बड़े उनसे ज़्यादा शरारती होते हैं। इसलिए दुनिया में वर्ल्ड वार होती है, इसलिए मजहबी झगड़े होते हैं। हमारे उस गलती को खुदा माफ़ कर देता है। खुदा निगेबान है, खुदा मेहरबान है, खुदा काइंड हार्ट है, खुदा माफ़ कर देता है। हम बच्चे को माफ़ नहीं करते, हम खुदा से बड़े हो गए हैं क्योंकि डिग्री लेके आए हैं। बस मेरी जान ले। राइट सर, अगर आपने मेरी बात अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड की होती सर, मैंने आपसे इतने कहा कि हम 10 times तक उसको इग्नोर कर लेते हैं, हम उसे खुदा कहते हैं कि देर तक इग्नोर करता है, 4, 5, 10 मरतब। माय गुडनेस भाई, लेकिन फाइनली जब बंदा बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा वो निकल जाते हैं, तो तब अल्लाह ताला भी उसको, खुदा भी पकड़ लेता है। अब तेरे आगे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही आप मिसबिहेव करने लगा अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में ज़्यादा ही लोगे। अब अल्लाह की पकड़ होनी है, अब आपको आगे और छूट नहीं। आपने शराब एक बार पी, बंदे अल्लाह ने समझा दिया है कि शराब बंद मत पियो, इसमें आपका नुकसान है। सेकंड टाइम भी पी ली, अल्लाह ने फिर से, खुदा ने फिर से कहा कि शराब मत पियो, लेकिन वो बोतलों के बोतले और ट्रप के ट्रप पीने लगा, कि डेफिनेटली नुकसान तो बंदे का है ना, नुकसान तो बंदे का है ना, मेरा तो नहीं है ना, खुदा ने समझा दिया। शराब किसने पी? बंदे ने पी। शराब पी के नुकसान किसका हुआ? बंदे का हुआ ना। खुदा बीच में आया सर? उसी चीज, खुदा बीच में आया सर। मैं लीवर जिसका खराब हुआ, बंदे का हुआ सर फाइनली सर। शराब किसने पी? बंदे ने पी। लीवर किसका खराब हुआ? बंदे का हुआ। खुदा बीच में कहाँ आया? मैं सर फाइनली क्या कह रहा हूँ, खुदा ने तो कुछ किया ही नहीं उसे। फाइनली उसको अल्लाह ताला ने समझा दिया, उसको बार बार समझा दिया है कि सुधर जाओ। खुदा ने मैं उसको सुधार रहा हूँ, अभी मैं गॉड का काम कर रहा हूँ इस दुनिया पर। हमने ऐसा गॉड, खुदा, राम, अल्लाह, वाहेगुरु तसव्वुर कर लिया है कि वो ऐसे पनिश करता है। हम जब गुरबाणी पढ़ते हैं ना, तो हमने गुरबाणी में सीखा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो, संबल थकी जी हो कदे ना बोले कौड़ा। वो कभी कड़वा नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि खुदा निगहबान है, खुदा मेहरबान है, खुदा हमेशा मेहर की निगाह करके रखता है। कांटा चुभाने वाली निगाह खुदा के पास नहीं है, इसको खुदा बोलते हैं, प्यार करता है। हमने ऐसा सोच लिया क्योंकि मेरे पास खुदा जितनी पेशेंस नहीं है। गॉड एक्सटेंड्स गॉड्स लव टू मी so that I should learn that I have to extend this love towards my fellow citizens on this earth. ये खुदा की definition है। खुदा मुझे सारी दुनिया को प्यार इसलिए करता है कि खुदा जैसा, वाहेगुरु जैसा, अल्लाह जैसा, राम जैसा तू लोगों को प्यार कर, उसमें इतनी patience है, तेरे लाखों गुनाह माफ कर देता है। तू भी लाखों गुना तो माफ करना सीख पहले, हमारा तो तीसरे चौथे गुनाह पे ही हम बच्चे को उल्टा टांग देते हैं। मेरी सरकार, जिनका गुस्सा काबू नहीं होता ना, ये बच्चे ना 12वीं के बाद स्कूल से चले जाएंगे, दूसरा बैच आ जाएगा, गुस्सा टीचर का वहीं खड़ा रहेगा, गुस्से की हैबिट।
क्योंकि इसने सीखा नहीं कि आए दिन ये बच्चे शरारती आते रहेंगे, मैं रोज़ रोज़ अपने आप को सताता रहूँगा, अपना बीपी हाई करता रहूँगा। पर क्या हुआ, जैसे ये बच्चों का बैच बदल बदल के जा रहा है, ऐसे दिन एक दिन 55 और 60, कितने की रिटायरमेंट है, 60 साल के बाद जब ये घर गया ना, अब इसको घर में वही आदत पड़ी हुई है, ये नहीं माना मुर्गा बन जाओ, ये नहीं माना ये करो, ये नहीं माना, वहाँ पर अब कोई सुनता नहीं है। जब वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, ये नस फट जाती है, क्योंकि गुस्सा मल्टीप्लाइड हो चुका है। अब ये मजबूर बच्चे, ये मासूम हवेल मछलियाँ वहाँ मौजूद नहीं है, पर इसका गुस्सा फिक्स नहीं हुआ। ये डिग्री लेके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, ये गुस्से का मोहताज बंदर टीचर डिग्री लेके उसी में अकड़ा हुआ है। बच्चों को क्यों ना सजा दे, क्योंकि खुदा सजा देता है, खुदा सजा नहीं देता है। इंसान ने अपनी सोचनी के शैतानियत वाली सजा वाला बनाया हुआ है ये खुदा के पैराडाइज जन्नत स्वर्ग में, ये अवगुण, ये शैतानियत एंटर नहीं कर सकती है। पर सारी धरती पर कहीं पर भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर खुदा ना हो। खुदा सब जगह हाजिर नाजर है, सब जगह खुदा की जन्नत है, सब जगह खुदा का स्वर्ग है, पैराडाइज है। उसमें कहीं भी शैतान की जगह नहीं है। तो जो इवेलिस होते हैं तो उनका क्या है, ख्याल है इसके, सिर्फ ख्याल। हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं इवेलिस, इसी को तो समझना है, हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं ना, डेली इवेलिस आ रहे हैं। मजहब इसी को कॉन्कर करने की गेम सिखाता है। शुक्रगुजार हूँ, और आपने फ्रेंकली इसको डिस्कस किया, मैंने फ्रेंकली आंसर किया। मुझे नहीं मालूम दोनों में से ठीक कौन है, पर मुझे मालूम है खुदा ठीक है और खुदा निगेबान है, मेहरबान है, काइंड हार्ट है, टिल लास्ट, राइट, इतना बस मुझे मालूम है ना। अब आपने आगे सोचना है।